अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए फैमिली ऑफ पैराबोला हैज ए कॉमन फोकस एंड कॉमन एक्सिस। तो हमें फैमिली बता दी कि फैमिली है पैराबोलास की जिसका कि कॉमन फोकस एक ही फोकस है उन सबका और एक ही कॉमन एक्सिस है। तो फाइंड द ऑर्थोगोनल फैमिली। तो इसके ऑर्थोगोनल फैमिली हमने निकालनी है। पैराबोलास की जो फैमिली हमें गिवन है वो कैसी है ले लेते हैं हम। सिंपल करने के लिए हम ले लेते हैं जिसका फोकस ले लिया हमने इस पोल पे क्योंकि कॉमन फोकस था और कॉमन एक्सिस है। एक्सिस ले लेते हैं इनिशियल लाइन को। तो पैराबोला हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे। सॉल्यूशन में लेट द गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलाज इज एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस में कोस थिट्टा। अब यहाँ पर थिट्टा और आर तो हमारे पास है वेरिएबल्स। तो एल हमारे पास क्या बच गया पैरामीटर। तो लिख देते हैं विच इज विच हैज फोकस एट ओरिजन दैट इज की पोल एंड इनिशियल लाइन एज इट्स एक्सिस दैट इज द फैमिली इज तो इसी को हम लिख लेते हैं आर इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू एल। इसको नंबर 1 मान लिया। अब सबसे पहला स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। तो डिफरेंशिएट करेंगे यू इंटू वी से। तो पहले तो हमने लिखा 1 प्लस में कोस थीटा एज इट इज और आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा प्लस में। अब आर एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस में साइन थीटा और इजिकल टू एल का हो गया 0। तो देखिए पैरामीटर भी यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम इसको रिप्लेस करेंगे अब। तो नाउ रिप्लेसिंग डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस में आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर। तो ऐसे करने से जो इक्वेशन आएगी वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो वी गेट 1 प्लस में कोस थीटा डी आर बाई डी थीटा जगह लिखेंगे माइनस में आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर और माइनस में आर साइन थीटा इक्वल टू 0। दैट इज ये देखिए दोनों में माइनस से कैंसिल कर देंगे, एक आर भी कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचेगा आर इंटू 1 प्लस में कोस थीटा और डी थीटा बाई डी आर और प्लस में साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, उसके लिए वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर डी थीटा है, तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और एक डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स तो हम क्या करने वाले हैं 1 प्लस में कोस थीटा डिवाइड में आ जाएगा ये साइन थीटा और डी थीटा और प्लस में डी आर बाई में आर इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब। तो इंटीग्रेटिंग वी हैव तो इंटीग्रल 1 प्लस में कोस थीटा बाई साइन थीटा और डी थीटा प्लस में इंटीग्रल डी आर बाई आर और ये 0। देखिए इसका इंटीग्रल लॉग में आएगा तो यहाँ पे भी हम लॉग में ही ले लेते हैं कांस्टेंट को लॉग सी। दैट इज अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल दिख नहीं रहा, हम कि उसको सेपरेट कर देते हैं। यानी इंटीग्रल में 1 बाई साइन तो बन जाएगा कोसिकैन थिट्टा और कोस बाई साइन बन जाएगा कोर थिट्टा और डी थिट्टा
इसका इंटीग्रल बन गया लॉग ऑफ आर और ये लॉग ऑफ सी। तो दैट इज़, अब इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस में कोर थीटा, और कोर थीटा का इंटीग्रल होता है प्लस में लॉग ऑफ साइन थीटा, और प्लस में है ये लॉग ऑफ आर और इज इक्वल टू है लॉग ऑफ सी। तो दिस इम्प्लाइज, तो देखिए तीनों लॉग में है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग ऑफ आ जाएगा ये आर इंटू साइन थीटा और इंटू में ये कोसिकेंट माइनस कोट, इसको लिख सकते हैं हम फिर से वन बाई साइन और ये कोस बाई साइन, तो वन माइनस में कोस थीटा और बाई में साइन थीटा और इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये साइन से साइन कैंसिल और ये बच गया लॉग ऑफ आर वन माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो यहाँ से आपके पास लॉग से लॉग कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास सी बाई वन माइनस में कोस थीटा, दैट इज सी बाई आर इक्वल टू वन माइनस में कोस थीटा। तो देखिए ये हमारे पास जो फैमिली आई है ये भी पैराबोलाज की आई है, कुछ वैसे ही पैराबोलाज आ गए जिसका फोकस हमारे पास पोल पे है और इन जो एक्स एक्सिस है इनिशियल लाइन है वही हमारे पास उसका एक्सिस है, बट ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी कुछ ऐसे बनेंगे। ये तो हमारे पास थे गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलाज, और जो इनके ऑर्थोगोनल फैमिली आई है वो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी इस टाइप से, यानी इनके हमारे पास कुछ ऐसे बने थे और इनके हमारे पास कुछ ऐसे बन रहे हैं। तो ये जहाँ पर भी कट कर रहे हैं वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे राइट एंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल, जहाँ पर भी कट करेंगे वो राइट एंगल बनेंगे।